अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड लिसनिंग मी क्लियरली। सो प्लीज गाइस डू लेट मी नो आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। जी गाइस, थैंक यू सो मच। जी, हम जो एंट्रीज कर रहे थे उन एंट्रीज में लास्ट एंट्रीज जो हमने पढ़ी थी वो थी किससे रिलेटेड? इनकम से रिलेटेड। आज जो हम एंट्रीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सपेंसेस से रिलेटेड, और एक छोटी सी छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इनको पक्का करेंगे। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हम की एंट्रीज हमने बनाई हैं इनको हम लोग जरा थोड़ा सा जरा पक्का करेंगे यार, कि बार बार हम हमें ये वाली टेंशन ना हो कि हमें सोचनी पड़े, ऑब्वियसली थ्रू प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कल जाते जाते जो हमने लास्ट बात की थी, दैट वाज के यार जो एक्सपेंसेस होते हैं ना ये कब रिकॉर्ड होते हैं, यानी आप कब डेबिट एक्सपेंस को करोगे और उससे पहले आप डेबिट एक्सपेंस नहीं करोगे, ये लास्ट बात थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। इज देयर एनीवन जो बच्चा रिपीट करे कि यार एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज होना है, यानी डेबिट एक्सपेंस की एंट्री कब होगी, यानी डेबिट साइड पे एक्सपेंस कब आएगा? इज देयर एनीवन जो कोई बता सके प्लीज, चैट बॉक्स में लिख दो या माइक ऑन करके बता दो। बिल्कुल हसन साहब सही कह रहे हैं, हसन साहब कह रहे हैं कि जी जब हम जब एक्सपेंस इनकर होगा, चलें ये भी ठीक है। तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज तब होना है, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज मतलब एक्सपेंस डबल एंट्री में तब आना है जब वो इनकर हो। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड, तो ये एक्सपेंस जब इनकर होंगे तो डबल एंट्री में तब आएंगे। अब इनकर होने का मतलब सारे लोग बता रहे हैं, तो व्हेन इनकर्ड ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, पेमेंट होना जरूरी नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक रूअल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड। सो एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड, एक्सपेंसेस जब इनकर होते हैं तब लिखे जाते हैं। रिकॉग्नाइज होना मतलब डेबिट या क्रेडिट में लाना, एंट्री बनाना उसकी। सो एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड, नॉट व्हेन पेड, पेमेंट होना जरूरी नहीं है, आप पेमेंट पहले भी कर सकते हैं, आप लेट भी पेमेंट कर सकते हैं। सो एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड। अब मेरे भाइयों ये सिचुएशन है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमने बेनिफिट्स ले लिए, व्हेन बेनिफिट ऑब्टेन। अब इसको कल हमने जाते जाते समझा था कि यार अगर बिजली का बिल आया है और आपने पे करना है बिजली का बिल नेक्स्ट मंथ में, तो यार क्या जब पे कर रहे हैं तब एक्सपेंस बनाएंगे या जब बिजली यूज कर रहे हैं तब? अब ये क्वेश्चन है, मुझे बताएं यार बिजली का एक्सपेंस कब लिखना है, जब बिजली यूज हो गई है, जिस मंथ में यूज हुई है उस मंथ में लिखेंगे या जब पे हो रहा है तब लिखेंगे? जब यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो एक्सपेंसेस जब यूज कर रहे होंगे। सर क्या मतलब? सर अगर कोई बच्चा है वो पूछ सोच रहा है कि क्या मतलब है इस बात का, तो अभी समझ लेते हैं। सर बिजली का बिल आया है, बिल जरा गौर करना, आप बिल ऑफ जनवरी मंथ रिसीव्ड इन फेब्रुअरी 10th एंड पेड फेब 15। हाँ बच्चों, अब मुझे बताएं कि ये एक्सपेंस की जो एंट्री बनेगी वो जनवरी के मंथ में बनेगी, 10 फेब पे बनेगी या 15 फेब पे बनेगी? एक्सपेंस जब रिकॉग्नाइज करना है, जब आपने डेबिट एक्सपेंस करना है, तो वो कौन से मंथ में करना है? 10th फेब पे करेंगे, जनवरी का मंथ पे करेंगे या जब पे कर किया आपने तब करेंगे? अब ये बड़ा मजेदार कहानी है,
एक्सपेंस डेबिट किस डेट पे होगा? आप मंथली बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। ओके जी, बिल जब रिसीव होगा तो आपको अमाउंट कंफर्म हो जाएगी। तो अगर मैं एक इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, जनवरी की लैदा इनकम स्टेटमेंट बनाऊं और फरवरी की लैदा इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, तो लें जी मंथली बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट्स भी बनती हैं। लें जी, तो इनकम स्टेटमेंट अगर मैं बनाऊं फेब की, फॉर द मंथ ऑफ ओनली फेबरी, या इनकम स्टेटमेंट बनाऊं मैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, मुझे बताएं कि ये बिजली का बिल, बिल ऑफ ₹50, बिल ऑफ जनवरी मंथ, यानी कि कंजम्पशन आपने किया जनवरी में लेकिन बिल रिसीव हुआ 10 फरवरी को, तो मुझे बताएं किस इनकम स्टेटमेंट में आप ये 10 लिखेंगे। प्लीज बताएं यार, ये 10, ये जो बिल है ₹50 का, ये किस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा? किस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा? गुड, ओके जी, चलें गुड हो गया। अब मुझे बताएं रूल लगाएं, ये बिजली ₹50 का बिल, बिजली का बिल है, मुझे बताएं वो बिजली आपने जनवरी में यूज की है या फेब में यूज की है? प्लीज बताएं जरा, वो जन में यूज की है या फेब में की है? तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने होते हैं जब हम बेनिफिट उठा लें। तो जब हमने बेनिफिट जनवरी में उठाया, तो मुझे बताएं कि एक्सपेंस किस मंथ में चार्ज होना चाहिए? तो बच्चों जल्दी से बताएं जरा कि मैं किस इनकम स्टेटमेंट में फिर चार्ज करूंगा इस बिल को? इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो सर जनवरी की इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करेंगे आप। तो ये बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, ये जनवरी के मंथ में चार्ज होगा। अब एक भाई कह रहे हैं कि सर जनवरी के मंथ में ये चार्ज ही नहीं हो सकता। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि बिल तो आया ही नहीं था जनवरी के मंथ में। तो सर जब बिल नहीं आते तो आप एस्टिमेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स देखते हैं, देख के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने चल गए, आप एक बिल खुद बना लेते हैं, तो उस बिल को आप पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बाउंड पे कब हुई, इम्पोर्टेंट ये है कि उसका बेनिफिट कब उठाया। बेनिफिट कब उठाया प्लीज बताएं जरा, फॉर द इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए जनवरी के मंथ। क्या इतनी बात प्लीज बताएं समझ आ गई है? जल्दी से बताएं जरा। ओके, अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे जरा और कीजिएगा प्लीज, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि भाई एक्सपेंस किस मंथ में जाना चाहिए। सर आपने 5 माह का रेंट एडवांस में पे कर दिया, 5 मंथ्स का रेंट, तो 5 मंथ्स रेंट पेड, ये मंथ है जनवरी, ये फिर फेब है, फिर मार्च है, 5 मंथ्स रेंट ऑफ रेंट पेड इन एडवांस। अब मुझे बताएं कितना रेंट है, 5,000 कर लेते हैं, ₹5,000 5 माह का रेंट है जो आपने एडवांस में पे किया, फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब मार्च अप्रैल मई, ये 5 माह पे हुए हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो 5,000 आपने पे किया है, ये किस मंथ में एक्सपेंस बनना चाहिए? आपने पे किया है ऑन 1st जैन, मुझे बताएं 5,000 का 5,000 5 माह का रेंट एक्सपेंस पे किया आपने, मुझे बताएं ये किस मंथ में एक्सपेंस बनना चाहिए? प्लीज बताएं जरा। किस मंथ में एक्सपेंस बनना चाहिए? जनवरी का एक्सपेंस है या नहीं है? सर जो ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बच्चे, शाबाश। ये कह रहे हैं सर ये जो एक्सपेंस है 5,000 का, पेमेंट तो मैटर ही नहीं करती कब पे किया है, मैटर करता है कि आप बेनिफिट कब उठा रहे हैं। तो रेंट में आप अगली पार्टी की जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो आप जनवरी में भी यूज कर रहे हैं, तो जनवरी में भी 1,000 का एक्सपेंस जाना चाहिए। फेब में भी यूज कर रहे हैं तो फेबरी में भी 1,000 का एक्सपेंस जाना चाहिए।
मार्च में यूज कर रहे हैं तो मार्च में भी 1000 का एक्सपेंस जाना चाहिए, अप्रैल में यूज कर रहे हैं तो अप्रैल में भी 1000 का एक्सपेंस जाना चाहिए, इसी तरह मई में भी यूज कर रहे हैं तो मई में भी एक्सपेंस जाना चाहिए। तो सर 1000 1000 1000 1000 हर मंथ जाना चाहिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है कि हर मंथ 1000 का एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए? गुड, बाकी लोग भी बताएं प्लीज। गुड हो गया, अब आ जाते हैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। हर मंथ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर मंथ का एक्सपेंस है भाई। जब हर मंथ आपने उनकी दी हुई चीज, अगर घर है तो घर यूज करना है, गाड़ी है तो गाड़ी रेंट पे ली हुई तो गाड़ी यूज कर रहे हैं आप, जब गाड़ी हर मंथ यूज हो रही है, घर अगर लिया हुआ तो घर हर मंथ यूज कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? एक्सपेंस हर मंथ चार्ज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह जिस तरह जीना हमारा बच्चा कह रहा है कि के सर सेम इज द केस विद आर ट्यूशन फी। बिल्कुल, जो आपने ट्यूशन फी पे की है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 months के लिए पे की है, आप हर मंथ एक्सपेंस बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस वो आज का एक्सपेंस नहीं है जो आप पे कर रहे हैं, वो आखिरी दिन का एक्सपेंस नहीं है, बल्कि हर मंथ थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस आपको बनाना चाहिए कि सर हम एक्सपेंस पे, हर मंथ का एक्सपेंस है हमारा, हम फायदा हर मंथ उठा रहे हैं। क्या बच्चों इतनी बात क्लियर है? प्लीज बताएं। ओके, चलें, अगर इतना क्लियर है ना तो आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। सर वो आपको कहेगा कि मैंने 5 months का रेंट पे किया इन एडवांस 5000 ऑन 1st जनवरी, और वो कहेगा मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ मार्च तक, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होगा ना वो आपको कहेगा यार मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मार्च तक बना रहा हूँ, तो सर अगर मेरा ईयर एंड है 31 मार्च, और 31 मार्च पे मैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने लगा हूँ, तो अभी मेरा मसला इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट नहीं है, तो मुझे बताएं कि अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कितने मंथ्स का एक्सपेंस चार्ज करूँ, इस 5 माह में से कितने मंथ्स का एक्सपेंस चार्ज करूँ, प्लीज बताएं। ये सेंस है जो यूज होनी है सर, ये वो सेंस है जो यूज होनी है। गुड, तो आप बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं आप, तो यहां तक जनवरी का एक्सपेंस भी हो चुका है, फेब का एक्सपेंस भी हो चुका है, मार्च का एक्सपेंस भी हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात, ये है वो सेंस जो बेसिकली यूज होनी है, कि आप जब पेमेंट्स कर रहे होंगे तो आप कई मंथ की पेमेंट कर देंगे, लेकिन आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे बीच में कहीं पे, तो जितनी देर फायदा उठा लिया है उतनी देर का क्या करना चाहिए, उतनी देर का सिर्फ और सिर्फ बनाना चाहिए आपको एक्सपेंस। क्या बच्चों इतनी बात समझ लग गई? प्लीज बताएं, इतनी बात समझ लग गई? बिल्कुल, और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सपेंसेस इनकम्स हैं, ये FR1 में बहुत ज्यादा रिपीट होना है, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हुआ करेंगे उसमें छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स इसी तरह की होनी है। ठीक हो गया, अब मेरे बच्चों को इतनी बात समझ लग गई है तो लेट्स अंडरस्टैंड जी। एक अब इसको हम थोड़ा डबल एंट्रीज में लेके आएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले आप लोग ये वाली सेंस डेवलप करें, थोड़ी सी ये वाली सेंस डेवलप करने के बाद कि ईयर एंड के हिसाब से भी चीजों को देखना, फिर उसके बाद देखते हैं फर्दर क्या करना है। सर सर आपने क्या किया, आपने रेंट पे एक बिल्डिंग ली, अब जरा और करना, रेंटल प्रॉपर्टी ले ली आपने, एक प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली आपने, उसे यूज करना शुरू किया, आपने यूज करना शुरू किया उसे, जैन यूज किया, फेब यूज किया, मार्च यूज किया, मार्च फिर अप्रैल यूज किया, फिर मई यूज किया, ये लें, और आगे भी यूज करना है लेकिन आपका ईयर एंड आ गया, ये यहाँ पे ईयर एंड है आपका, अब ईयर एंड आपका कहीं पे भी आ सकता है। सर प्रॉपर्टी ली ही जनवरी में थी, सर प्रॉपर्टी ली ही जनवरी में थी, तो मैं ये मेरा ईयर एंड आ गया, यहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, अब पेमेंट मैंने करनी है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कहीं पे वो पे होगा, नेक्स्ट ईयर कब पे होगा, सेप्टेम्बर में जाके पेमेंट होगी,
अभी तक ये अनपेड है, तो मुझे बताएं एक्सपेंस बनाऊं या ना बनाऊं, प्लीज बताएं जरा, ये अनपेड है यानी ये वाले मंथ का रेंट पे नहीं किया, 1000 per month पे ली है मैंने प्रॉपर्टी, 1000 per month पे, तो मुझे बताएं एक्सपेंस बनाऊं या ना बनाऊं, पे करना है नेक्स्ट ईयर, प्लीज ये बात क्लियर करें कि नेक्स्ट मंथ यूज करना है, एक्सपेंस बनेगा या नहीं बनेगा प्लीज बताएं जरा। सर बच्चा कह रहा है जी बनेगा, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप लोग, बनेगा। तो कोई बता सकता है कितने मंथ्स का एक्सपेंस बनेगा? जी सर, कोई बता सकता है कितने मंथ्स का एक्सपेंस बनेगा? ओके बच्चों, बेहतरीन बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जी सर बिल्कुल जी, 5 months का एक्सपेंस बुक होना चाहिए। तो बच्चों आप जरा सुन लेना, आप लोगों ने क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे कि यार हमने बेनिफिट उठा लिया 5 माह, तो 5 माह का रेंट एक्सपेंस बुक करो। तो इसके लिए वर्ड हम यूज क्या करेंगे कि एक्सपेंसेस इनकर हो गए, expenses incurred but not yet paid, but not yet paid, sir ये कहते हैं expenses incurred but not yet paid, क्या ये बात समझ लगी है? प्लीज बताएं जरा, सीखें जरा, फिर डबल एंट्रीज पे पहुंचे जरा, प्लीज बताएं। ओके बच्चों, अब एक्सपेंसेस की जो डबल एंट्रीज हमने बनानी है ना, वो एक्सपेंसेस की डबल एंट्रीज क्या हैं जो हम लोगों ने बनानी है? तो सर हमने डबल एंट्रीज बनानी है एक्सपेंसेस की। सबसे पहला एक्सपेंस होता है सर, एक्सपेंसेस ड्यू हुए, इनकर हुए और पे भी हो गए। हाँ भाई, एक्सपेंसेस ड्यू हुए और पे भी हो गए, क्या करेंगे बच्चों प्लीज बताएं जरा, ड्यू हुए और पे भी हो गए। एक्सपेंसेस ड्यू हुए पे भी हो गए, इसका मतलब यह है कि आपने जैसे ही एक्सपेंस इनकर हुआ, आपने कहा यार ये पैसे पकड़ो यार, तो डबल एंट्री क्या बनेगी जी? सर एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, प्लीज जरा सुननी है। मैं सर अब FR1, मैंने कहा था FR1 के हिसाब से मैं रिपीट कराऊंगा चीजें। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड, तो जरा जल्दी से बताएं क्या डबल एंट्री बनेगी। डबल एंट्री बनेगी, डेबिट पे करेंगे आप, एक्सपेंस ले आएंगे, जो भी एक्सपेंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस, और क्रेडिट कर देंगे आप कैश। तो सर ये डबल एंट्री बनती है कि एक्सपेंसेस इनकर हुए और पे भी हो। अब अगली बात बहुत इंटरेस्टिंग है सर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। हाँ जी बच्चे जल्दी से बताएं जरा, expenses incurred but not yet paid, इसका मतलब है आपने benefit उठा लिया है, expenses incurred but not yet paid, expenses incurred but not yet paid, इनको सर हम accruals भी कहते हैं, हम कहते हैं ये हमारे accruals हैं, इन्हें accruals भी कहा जाता है, ऐसे expenses जो incur हो गए हैं लेकिन pay नहीं हुए उनको accruals भी कहते हैं। हाँ तो बच्चों एक्सपेंस इनकर हो गया है, तो जब एक्सपेंस इनकर हो गया है तो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ना,
तो रिकॉर्ड तो करना चाहिए सर, जब एक्सपेंस इनकर हो गया है तो रिकॉर्ड तो करना चाहिए। तो मेरे बच्चों इसकी जो डबल एंट्री बनती है, इसकी डबल एंट्री बनेगी, डेबिट करेंगे आप लोग एक्सपेंसेस को, ये लें जी, और क्रेडिट करेंगे आप एक्सपेंस पेएबल या एक्रूड एक्सपेंस भी बोलते हैं इसको। तो एक्सपेंस पेएबल कर लें या एक्रूड एक्सपेंस कर लें या एक्रूवल कर लें, एक ही बात है। तो लें जी, एक ही चीज के नाम है, आपको जो नाम याद होता है आप वही कर लें। लें भाई, जो लोग जरा इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी वो कुछ भी कर लें, नाम नाम मैटर नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, अभी अभी आप लोगों के लिए मैटर कर रही है डबल एंट्री। हाँ भी बच्चों प्लीज ये बात क्लियर कर लें, यहां तक साथ हैं जी प्लीज। जी सर, लायबिलिटी क्रेडिट कर लें, लायबिलिटी भी ठीक है जी, एक्सपेंस पेएबल लायबिलिटी आपकी, बिल्कुल जी, पेएबल मतलब लायबिलिटी। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, अब नेक्स्ट स्टोरी क्या है जी, लेट्स अंडरस्टैंड। चलो बताएं जी, लास्ट एंट्री क्या पढ़नी है हम लोगों ने, प्लीज बताएं जी, लास्ट एंट्री क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अगर आपने एंट्री जी सर, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, सर पेड इन एडवांस का मतलब क्या है सर, इनकर हो गया या नहीं हुए, नहीं हुए, तो सर ये क्या बनेंगे आपके, जल्दी से बताएं जरा, इनको कहते हैं हम प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट हमारा एसेट होता है, तो सर जिस चीज का फायदा अभी हमें मिलना है वो हमारी प्री पेमेंट्स होती हैं, और प्री पेमेंट्स हमारे एसेट्स होते हैं सर, प्री पेमेंट्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। और क्रेडिट क्या करेंगे आप, कैश। बताएं सर, अगर एडवांस में पैसे पे किए हुए हैं एक्सपेंस के, तो वो आपका एसेट है या वो आपका एक्सपेंस है, बेहतरीन हो गया बच्चों। लें जी, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आपके एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, एक तरफ आपका एक्सपेंस है और साथ में लायबिलिटी भी है, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी है। एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड, सिर्फ एक्सपेंस है, लायबिलिटी क्यों नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस है क्योंकि आप पे कर चुके हैं, तो प्लीज जरा क्लियर करें, एडवांस में पे कर दिया है, खाली एसेट, एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं बट पे नहीं हुए, एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं बट पे नहीं हुए, एक्सपेंस भी है और लायबिलिटी भी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, पे नहीं ना हुए तो एक्सपेंस भी है, एक्सपेंस तो है जब इनकर हो गए तो लायबिलिटी। प्लीज ये तीन एंट्रीज याद कर लें, ओके बच्चों। अब आ जाएं यार जरा, सर
एक क्वेश्चन करते हैं आप, छोटा सा बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन, और इस तरह के अब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जरा गौर कीजिएगा बच्चों के क्वेश्चन क्या करने लगे हम लोग। आप सबको पता है एक ट्रायल बैलेंस होता है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। बच्चों आप जरा गौर से काम करना है। आपके पास ना नॉन करेंट एसेट्स हैं। नॉन करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स देंगे। आपके पास नॉन करेंट एसेट्स हैं 500 के। फिर मेरे बच्चों आपके पास इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री वो चीज है जो आप लोगों ने ली हुई है कि आपने इसको बेचना है, आपका मेन बिजनेस ही है। तो वो गुड्स जो आपने बेचने के लिए ली हुई हैं, बाटा के पास जितने भी जूते पड़े हुए हैं, सर्विस वालों के पास जितने भी जूते पड़े हुए हैं, हश पपीज के पास जितने भी जूते पड़े हुए हैं, तो ये जूते बनाने वाले और जूते बेचने वालों के पास जो जूते पड़े होते हैं वो उनकी इन्वेंट्री है। फर्नीचर बेचने वालों के पास जो फर्नीचर पड़ा वो उनकी इन्वेंट्री है। गाड़ियां बेचने वालों के पास जो गाड़ी पड़ी हुई है वो उनकी इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री भी आ रही है इनकी 300 की। ये देखें जरा देखें, रेंट एक्सपेंस आ गया जी। रेंट एक्सपेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 400, और एक रिसीवेबल आ गया जी। रिसीवेबल कितना आ गया जी बच्चों? रिसीवेबल्स भी आ गए हैं 300 आ गए। ये लें सर, ये इंफॉर्मेशन दे लेना। ओके, इसके अलावा जी आपके पास इनकम गिवन है जी। ये इनकम गिवन है, इनकम है जी 1000। बेसिकली ये सेल्स हैं, लेकिन मैं इनकम बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा मसला सेल्स टूल्स नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट्स नहीं है, बेसिक फॉर्मेट्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आ गया यार। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 200 का जी। उसके अलावा आपके पास कैपिटल आ गया जी। ये कैपिटल, कैपिटल जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी का बैलेंस कौन सा होता है बच्चों? प्लीज जरा, जो लोग बिल्कुल नए हैं, एक बच्चा था मुझे, उसने मैसेज भी किया था, प्लीज वो जरा साथ साथ रहे। इक्विटी का बैलेंस कौन सा होता है? बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इक्विटी का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इक्विटी कितनी आ रही है? 600 आ रही है। और इसी तरह एक आपका एक पेएबल है, पेएबल मतलब ट्रेड पेएबल्स, पेएबल्स हैं ट्रेड एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस दोनों पेएबल्स इकट्ठे लिखे हुए हैं। अगर उधार पे चीजें खरीदता है तो वो भी इधर लिखता है, और अगर कोई एक्सपेंस पेएबल है तो वो भी इधर लिखता है। अब एक्सपेंस पेएबल का बैलेंस क्या होगा जरा प्लीज बता दें, या एक पेएबल का बैलेंस, पेएबल एक लायबिलिटी है, आपने पैसे किसी के देने हैं, तो इसका बैलेंस भी क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो जी सर, ये एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है। अब मैं आप लोगों को कुछ एंट्रीज दे के परेशान करने वाला हूँ, ये जरा गौर कीजिएगा जी सर। ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड बताएं जरा कितनी आ रही है? 500, 300, 400, 300, 200, प्लीज बताएं जरा। एसेट्स डेबिट साइड कितनी आ रही है टोटल, और क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? तो ट्रायल बैलेंस हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस हैं हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। तो प्लीज बताएं जरा कितने आ रहे हैं जी, ये साइड कितनी आ रही है? ओके, 1700 है जी, एसेट साइड 1700 है, और ये एक्सपेंस पेबल्स को हम 100 कर लेते हैं, तो ये वाली साइड भी फिर 1700। हाँ बच्चों, कि क्वेश्चन क्लियर है प्लीज बताएं जरा, ये क्वेश्चन समझ आ गया कि क्या है? ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब मैं आपको वो एडजस्टमेंट्स दूंगा जो आपने एंट्रीज में सीखी है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए कि हमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सटेंसिव कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। तो बच्चों, एडजस्टमेंट्स जो गिवन है वो जरा देख लें। एडजस्टमेंट्स का मतलब है ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो अब अभी आपने, जिनकी
एंट्रीज बनानी है, जिनकी एंट्रीज अभी आप बनाएंगे, ये बैलेंसेज आपको गिवन है, ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई हैं, अब कुछ एडजस्टमेंट्स एंट्रीज बनाएंगे और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, तो ये सारी चीजें। ओके सो बच्चों, पहली एडजस्टमेंट ये है, आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, पूरे साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, 31 दिसंबर 2000x 2003, ये आपका ईयर एंड है सर। एक साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं पूरे साल की, तो पहली एडजस्टमेंट जो गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीज 50 received for the month of December 2003। सर ये किस मंथ का बिल है, सर ये किस मंथ का बिल है, दिसंबर के मंथ का, बट नॉट येट पेड। अब मुझे बताएं ये पे नहीं हुआ, बट नॉट येट पेड, तो किसी को याद है इसकी एंट्री क्या होती है, प्लीज बता दे जरा। आपके मंथ का एक्सपेंस है दिसंबर, हमारा ईयर एंड है दिसंबर, दिसंबर ही है ना हमारा ईयर एंड, दिसंबर का बिल है, तो हमने दिसंबर में यूज किया होगा या नहीं किया होगा, प्लीज बताएं। बिल्कुल ठीक, शाबाश, एक बच्चे ने डबल एंट्री बिल्कुल ठीक दी है, दो ने ठीक दे दी है। चार लोग, पांच लोगों ने ठीक एंट्री दे दी है, बिल्कुल ठीक जी। सर ये एक्चुअली हुआ ये है कि आप बिजली यूज कर चुके हैं, क्योंकि आप दिसंबर के एंड पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो तब तक आप दिसंबर की बिजली यूज कर चुके थे, लेकिन तो इसका मतलब है एक्सपेंस इनकर तो हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो जब आपने पे नहीं किया तो फिर मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने अभी इसकी एंट्री बना ली ताकि बाद में इकट्ठी टेंशन ना बने, तो हमने कहा यार इसकी डबल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी, डेबिट करेंगे आप एक्सपेंस को और क्रेडिट किसे करेंगे, आप लोग क्रेडिट करेंगे आप एक्सपेंस पेएबल को। अब मुझे बताइए एक्सपेंस को किस नाम से बुक होना चाहिए, प्लीज बताएं, नाम भी रख लिया करें, अगर नहीं भी नाम रखा जाता अभी, अगर कोई नया बच्चा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट करें और पेएबल एक्सपेंस पेएबल बिल पेएबल एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल क्रेडिट करें। बहरहाल अगर एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेएबल भी रखोगे अभी तो कोई मसला नहीं है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो। सर एक्सपेंस लायबिलिटी क्रेडिट करेक्ट है, बिल्कुल मेरा बच्चा करेक्ट है जी। ना बच्चे आप ही थे ना जिसने मुझे मैसेज भी किया था कि सर आप क्या आप नए हो, इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ी सी पढ़ के छोड़ दी थी। बच्चे प्लीज आपने समझना है, बिल्कुल ठीक बोला है आपने, एक्सपेंस टू लायबिलिटी है तो जरा साथ साथ रहना हमारे, ये बाकी लोगों को थोड़ा आता है तो आप लोग आपने बिल्कुल साथ साथ रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड लें जी, अभी इन्हीं एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड एक और एडजस्टमेंट पूछी उसने, उसने कहा जी ऑनर इंट्रोड्यूस्ड, अब देखें जरा पुरानी एडजस्टमेंट आ गई है हमारे पास, ऑनर इन्वेस्टेड 300 rupees इन बिजनेस, मेरा पुत्र इसकी डबल एंट्री बनाए जरा, इन बिजनेस इन कैश थ्रू इन कैश, कैश में पे किया है जिसने, उसने इन्वेस्ट किया है 300 इन बिजनेस इन कैश। ऑनर जो पैसा दे वो क्या होता है, ऑनर जो पैसा दे, ऑनर ने पैसा दिया है, ऑनर ने पैसा दिया है बच्चे, ऑनर ने पैसा दिया है तो क्या करना, ऑनर कह रहा है यशी करो यशी, हमने कहा थैंक यू,
तो ऑनर जो पैसा दे उसे कैपिटल कहते हैं, शाबाश। और क्या दे रहा है वो हमें, क्या दे रहा है ऐसा कि जो हमारे पास आ रहा है और हमारा बढ़ रहा है। तो जी बिल्कुल ठीक बच्चे, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डबल एंट्री बनेगी दैट वुड बी डेबिट कैश करेंगे आप, एसेट आ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, कैश आ रहा हो तो डेबिट होता है, कैश जा रहा हो तो क्रेडिट होता है। तो कैश आ रहा है 300 से और कैपिटल है ये, कैपिटल इसे कहते हैं, एक्स्ट्रा पैसे उसने दिए, एडिशनल कैपिटल इस दफा उसने दिया 300 है बच्चे। ये जरा गौर करें, डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, क्या ये बात क्लियर है? ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी एंट्रीज बना के हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है। ओके, अब मेरे बच्चों इंटरेस्ट इनकम थी कोई, इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज 70 ड्यू, इनकम है इनकम जीना पुत्र, इनकम है इंटरेस्ट इनकम ड्यू हुई। ड्यू हुई होने का मतलब क्या है कि हमने अपनी एफर्ट्स पूरी कर दी, अगली पार्टी की तरफ ड्यू है, हमने उसे कहा कि ड्यू भाई ड्यू है, हमने काम कर दिया है, ये बनते हैं ड्यू। सो इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज 70 ड्यू बट नॉट येट रिसीव, उसने कहा अच्छा सर दे दूंगा, आपने काम कर दिया थैंक यू। तो इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज 70 ड्यू बट नॉट येट रिसीव, इंटरेस्ट आता है जब आपने अपना पैसा उसको यूज करने के लिए दिए रखा, तो आपने दिया होगा किसी को पैसा, इतने पैसे बनते हैं लेकिन मिले नहीं, शाबाश। सोचें जी सोचें, मिले नहीं है, मिले नहीं है। शहरयार बिल्कुल ठीक, अब्दुल्ला जफर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मेरे बच्चे बच्चे सोच के कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने बच्चे के इंतजार कर रहा हूं। क्या एंट्री बन रही है बच्चे? बिल्कुल ठीक किया आपने। तो बच्चों रिसीवेबल डेबिट है, रिसीवेबल डेबिट होना है, साथ में अगर नाम लग जाए तो कमाल हो जाए। क्या नाम साथ लग जाए? इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होनी है, ये बिल्कुल ठीक बोला था आपने। तो इनकम क्रेडिट हो जाएगी, इनकम के साथ नाम लग जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी लगता अभी नाम तो यकीन करो अभी मसला है ही नहीं, हम तो बिल्कुल बेसिक लेवल की पढ़ रहे हैं अभी तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे फुल फ्लेज, इस तरह के क्वेश्चंस आपने डिटेल में जाके करने, आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस उनमें इसी तरह के पंगे चल रहे होंगे, इसलिए प्लीज जरा सेंस डेवलप करनी है अच्छे वाली। साथ में एंट्रीज भी याद हो रही हैं, साथ में थोड़ी सेंस भी डेवलप हो रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे कैसे आगे चल के। तो अमाउंट गिवन है हमें तो 70 70, बस इतनी थी। और अब वो आपको कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बना दें, फिर वो कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना दें इस साल की, तीन एडजस्टमेंट्स को लेके और ट्रायल बैलेंस को लेके और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बना दें, प्लीज क्लियर करना है बच्चा। बनाएं जी प्लीज बताएं, बनाएं ओके, शाबाश ले जी। अब मुझे बताएं कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? जी बिल्कुल बेसिक लेवल की इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह रिवाइज कर रहे हैं कि हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। सर ये तीन चीजें ही बनाते हैं आप? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स होते हैं सर, इक्विटी आती है एंड लाइबिलिटीज आती हैं। अभी हमारे लिए सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए एसेट्स एसेट्स हैं, इक्विटी एडजस्ट होके आ जाएगी, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज है। इनकम में भी हमारे लिए सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकम इनकम होती है, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस होते हैं,
यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे, यानी जो बैलेंस ऑलरेडी है आपके पास, ओपनिंग बैलेंस क्या है आपके पास, प्रॉफिट या लॉस आके इधर ऐड हो जाता है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आया तो ऐड होगा, लॉस आया तो लेस होगा, ये पढ़ा था हमने। एडिशनल कैपिटल आ रहा है क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा कैपिटल, जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उस पार्टी ने इस साल दिए हैं जो पैसे, एडिशनल कैपिटल भी आ जाएगा। अगर कोई ड्राइंग्स हुई तो वो भी आ जाएंगी, ड्राइंग्स को हम डिविडेंड्स भी कहते हैं, इस लेवल पे हम ड्राइंग्स को डिविडेंड्स भी कहते हैं, ड्राइंग्स या डिविडेंड्स आ जाएंगे। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट है जो आपको पहले ही पता होना चाहिए। हाँ अभी मेरे बच्चों, अब मेरे भाइयों ने और बहनों ने, मेरे बच्चों ने मुझे क्या बताना है, मेरे बच्चे मुझे बताएंगे जी सर डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट एक्सपेंस पेएबल ये बन रहा है, इस एंट्री की पोस्टिंग करा दें कि कौन सी चीज इनकम स्टेटमेंट में जानी है, कौन सी चीज बैलेंस शीट में जानी है, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है हमें, पहले आप सोचें फिर मैं बताऊंगा तो जरा ठीक रहेगा। सर ये एक्सपेंस है, बताएं एक्सपेंस किधर जाता है, ये लाइबिलिटी है, बताएं लाइबिलिटी किधर जाती है, प्लीज एक्सपेंसेस किधर जाते हैं, इसको हम कहते हैं व्हाट गोज वेयर, कौन सी चीज किधर जाती है, कौन सी स्टेटमेंट में जाती है, ये बताएं जी बच्चों, बताएं जरा एक्सपेंस किधर जाएगा, एक्सपेंस बेहतरीन, मैं लिख दूं एक्सपेंस में, तो बच्चों यहां पे लिख दूं एक्सपेंस फिर 50, प्लीज देखें जरा एक्सपेंस वाली एंट्री यहां पे लिख दूं 50, ओके लाइबिलिटी किधर जाएगी, ये एक्सपेंस पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी किधर जाएगा प्लीज बता दें जरा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिख दूं, तो ये 50 इधर भी लिख दिया हमने लाइबिलिटीज में। हाँ बच्चों क्लियर है, हल्का सा भी डाउट हुआ ना, हल्की सी भी परेशानी हुई तो प्लीज बोलना, अभी नहीं बोल सकते व्हाट्सएप ग्रुप में बोलो, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बोल सकते अलहदा से मैसेज करो, लेकिन बोलो हाँ डन है, ये एंट्री क्लियर है। अगली एंट्री बतानी है जरा, कैश भी आपका एसेट है, कैपिटल तो फिर कैपिटल है, ये आपका एसेट है, अगली एंट्री कैपिटल किधर जाएगा और कैश, कैश कैपिटल मतलब इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब ले जी, ये कह रहे हैं जी कैश जाना है एसओएफपी में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इक्विटी किधर जाती है, ये कैपिटल, ये कैपिटल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, शाबाश बिल्कुल ठीक, क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक। तो मेरे बच्चों कैश फिर एसेट्स में जाके ऐड कर दें, अभी सर ब्रेकअप नहीं दे रहे, सारे एसेट्स इकट्ठे कर देते हैं बस, अभी हम बेसिक सेंस 12 कर रहे हैं, तो ये कैश 300 का इधर आ जाएगा, एसेट्स में आके ऐड हो गया, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एडिशनल कैपिटल के नाम से भी ये 300 आ गया, तो प्लीज देखें जरा ठीक है। हाँ भी मेरे बच्चों क्लियर है, प्लीज बताएं जी क्लियर है, सबको क्लियर है, तो हल्का सा भी डाउट, ओके बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जीना बच्चे आपने, हमारा बच्चा कह रहा है सर आपने इक्विटी को तो बैलेंस शीट में लिखा है, बच्चे यहां से यहां पे जो एडजस्टेड बैलेंस आएगा ना, यहाँ पे देखिए हमने हर चीज ना बैलेंस शीट बननी होती है आखिरी दिन, हर चीज एडजस्ट होके इधर आती है, ये आखिरी स्टॉप है, यहां तक हर चीज एडजस्ट होके आएगी, तो मेरा बच्चा यहाँ पे ना इक्विटी हम एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना या एडजस्टेड बैलेंस आएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस हम यहां से उठा के इधर ले आएंगे, तो आप ये कह सकती हैं कि 300 डायरेक्ट भी इधर आ सकता था, लेकिन हम इधर लाएंगे पहले फिर इसको ठीक करके इधर लेके आएंगे, मेरे बच्चे को बात समझ लगी, तो ये सीक्वेंस है, इसको आप ऐसे समझो कि आपने अपने घर में एक चीज लानी है, एक आपने चीज बाय की आपने घर में लानी है, लेकिन उसको रिपेयर करा के लाना है, तो पहले आप वर्कशॉप भेज रहे हो कि यार ये जरा रिपेयर तो करो इसको, ठीक है, या आप बायर ही रखते हो, आप उसके साथ मट्टी लगी हुई है, आप कहते हो कि पहले जरा छोटे भाई को या घर में जो रामू काका है उनको कहते हो कि यार जरा इसको पानी शानी तो मारो, यहाँ पे ना ये पानी शानी मारा जा रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में इक्विटी को एडजस्ट किया जाता है, जो एड लेस होने वाला होता है वो एडजस्ट करके फिर जो आखिर में बच जाता है वो इधर आता है, अदरवाइज तो इधर भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है जी।
नहीं बच्चे, वो इधर ही एडजस्ट होते हैं, वो इधर ही एडजस्ट होते हैं, वो इधर ही एडजस्ट होंगे। इसकी कोई जगह नहीं बनाई हुई, इसकी कोई वर्कशॉप नहीं है, वो इधर ही एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, चले गुड है। इस तरह के कोई भी मसले होते हैं पूछा करो, ये 2-3 दिन में आपने कंफर्टेबल हो जाना है अगर ये पूछते रहोगे तो। ओके बच्चों, अब आ जाएं जी, जरा बाकी लोग आ जाएं। अब मुझे बताएं कि इसका क्या करना है, प्लीज जरा इसका बता दे कोई, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है प्लीज। ये रिसीवेबल है, रिसीवेबल होता है आपका एसेट, ये एसेट होता है भाई। तो अगर एसेट है तो ये किधर जाना है, रिसीवेबल आपका एसेट है, ये एसओएफपी में चला जाएगा। ये आपकी इनकम है, इनकम, इनकम किधर चली जाएगी, इनकम स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक बोला मेरे बच्चे ने, गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक, शहजादे हैं सारे आप लोग, बब्बर शेर हो आप लोग। ओके, ये 70 एसेट है तो एसेट्स में आ जाएगा जी। ये देखें, ये 70 मैंने एसेट्स में लिख दिया, और एक तरफ इनकम है तो ये इनकम में आ गई 70। ले बच्चों, ये इस तरह एडजस्ट करना होता है आपने। हाँ, इतनी बात समय लग गई है, अब हमने क्या करना है जी सर, अब हमने क्या करना है जी, प्लीज बताएं। अब सिर्फ ट्रायल बैलेंस में जो चीजें बैलेंसेस गिवन है वो पोस्ट करें। बच्चों बताओ, नॉन करेंट एसेट्स एसेट्स हैं, इन्वेंट्री एसेट्स हैं, ये दोनों एसेट्स हैं, किधर ले जाऊं, एसेट्स एसेट्स में ले जाऊं, तो 500 और 300 इधर आ जाएंगे। टाइम जरा शॉर्ट है, मैं थोड़ा सा जरा स्पीड पकड़ने लगा हूं, लेकिन जो समझ नहीं आएगा प्लीज पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप में। ये आपका एक्सपेंस है बच्चों, ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, एक्सपेंस है एक्सपेंस। ये रिसीवेबल आपका एसेट है, एसओएफपी में चला जाएगा, रिसीवेबल आपका एसेट है, तो ये इनकम इधर आ गया जी, ये इनकम, सॉरी ये एक्सपेंस इधर आ गया 400 का, 300 का रिसीवेबल इधर आ गया एसेट्स में, ये इनकम है बच्चों और ये एक्सपेंस है, तो इनकम इनकम में आ जाएगी, एक्सपेंस एक्सपेंस में आ जाएगा। ये लें, ये कैपिटल है, ये कैपिटल, ये बैलेंस है जो कैपिटल का था, ये देखें, ये 600 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 300 ओनर ने और दिया, 600 पहले लगाया हुआ है पिछले सालों से, 300 और उसने कहा याशी करो। पेएबल आपका लाइबिलिटी है मेरे बच्चों, पेएबल लाइबिलिटी है तो एसओएफपी में चली जाएगी डायरेक्ट, तो ये पेएबल है, ये लाइबिलिटी है, ये लें सर। हाँ भी बच्चों, टोटल कर लें जरा, इनकम का टोटल कितना आ रहा है, 1070 आ रहा है, एक्सपेंस का टोटल कितना आ रहा है, 650 आ रहा है, यहां पे आएगा प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों, प्रॉफिट प्लीज बताना जरा, हाँ बच्चों, ये 420 का प्रॉफिट यहां से यहां आ जाता है, यही पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट लॉस चला जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ऐड हो जाता है। अब मुझे बताएं क्लोजिंग कैपिटल कितना बन रहा है, ड्राइंग्स नहीं थी इसलिए नहीं आई, 600 420 प्लस 300 1000 1320 आ रही है, और ये 13020 देखो इधर आ गया एडजस्ट होके, ये 720 क्या आ रहा था यार बॉय, 1320। ये लें जी, एसेट्स बताएं, लाइबिलिटीज बताएं, लाइबिलिटीज 150 हैं, एसेट्स आ रहे हैं 1470। ले मेरे बच्चों, देखें एसेट साइड इक्वल है, ये वाली साइड इन दोनों साइड्स के इक्वल है, तो सर इस तरह बनाते हैं आप लोग, प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में मैं ही भेज रहा हूँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन भी हुआ ना तो प्लीज जरा व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछ लेगा, मैं इसी तरह का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आप लोगों को भेजूंगा एज असाइनमेंट, वो आप लोगों ने करना होगा।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।